सो गाइज यहाँ पर CCNA की एक और बड़ी लैब सॉल्व करते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, अगर आपको राउटिंग या किसी भी ऐसे फंक्शन को समझने में प्रॉब्लम होती है तो ये प्रोजेक्ट आपको हेल्प करेगा काफ़ी अच्छे तरीके से। और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन वगैरह अगर कहीं पर नेटवर्क का है, उसके अंदर ट्रबल शूटिंग करने में, उसके अंदर राउटिंग करने में, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको बड़ी टोपोलॉजी देखकर लगता है, वो यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। तो इस वीडियो से कंप्लीट आपको ड्यूअल पाथ स्टैटिक का स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, चूँकि यही एक टफ कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टैटिक का, रेस्ट डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ईजी लोगों को लगता है। तो यहाँ पर हम लोग एक तरीके का बैकअप रूट कन्फिगर करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट AD के साथ हम लोग यहाँ पर कन्फिग्रेशन करने वाले हैं। और मैं उन लोगों के लिए 670% ऑफर के साथ एडमिशन स्टार्ट कर दिया हूँ CCNA का, और CCNA के साथ नेटवर्क सिक्योरिटी CCNP NRC एज अ बोनस कोर्स फ्री में मिल रहा है आप लोगों को। तो 70% पर एडमिशन चल रहा है और विद इन 10 डेज हमारा नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, विद इन वीक या जैसा भी है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि करंट सभी बैचेज हमारे फ्री हो रहे हैं। तो आप लोग यहां पर एडमिशन ले सकते हो, चैट सपोर्ट आप व्हाट्सएप पर ले लो, काउंसलिंग टीम से पूरी डिटेल ले लो कैसा कोर्स है क्या है एंड सारी चीज़ें। हमारी वेबसाइट sikholive.com पर विजिट करके भी आप कोर्स की जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं यहां पर कि जो भी हमारा यहां पर ये प्रोजेक्ट है ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहां पर 5 या 6 राउटर लिया हुआ है, आप देख सकते हो ये टोटल 6 राउटर है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये R3 है, R4 है, R5 है, R6 है, ठीक है। ये टोटल इस तरीके से 6 राउटर हमारे पास देखने को मिलता है। आप इधर से ऐसे लेकर जाएंगे तो यहीं पर R1 आपको ये लिख कर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज R1, ओके। R1 पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/0 का जो IP एड्रेस है वो ये है, ये सीरियल पोर्ट का IP एड्रेस है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से जस्ट प्रेफरेंसेस में आकर इसका पोर्ट लेवल हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पोर्ट लेवल लिख रखा है। तो इंटरफेस F0/0 का जो एड्रेस है, पहले पूरा टोपोलॉजी अच्छे से समझो, है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बिल्कुल चाय कॉफ़ी लेकर बैठ जाओ समझने के लिए। इंटरफेस F0/0 एंड द IP एड्रेस फॉर दिस नेटवर्क इज 192.168.0.1, दिस इज लैंड टोपोलॉजी फॉर दिस एरिया एंड दिस इज द वाइट आर आउटसाइड ऑफ नेटवर्क ID विच इज इंटरफेस सीरियल 000 एंड 10001। अनदर कनेक्टेड पोर्ट इंटरफेस IP इज 10002 एंड दिस इज द कम्प्लीट नेटवर्क ID ऑफ ए क्लास। ऐसे ही हमारा इधर हो जाता है और इधर हमारे पास हो जाता है जो कि आप देख सकते हो। सो इंटरफेस सीरियल 0/0/1 पर आप देखेंगे तो 60.1 मैंने ले रखा है, और इधर हमारे पास जो IP है 000 पर ये 60.2 है। यहाँ पर एक इंटरफेस है 01 जिसका 80.1 है, और ये 80.2 इंटरफेस इधर हमारा हो जाएगा। ये हमारा है 192.168.90.1, और इधर इसके जस्ट सामने हमारे पास है 90.2, इधर हमारा 172 इधर नेटवर्क है। इसके अलावा ये नेटवर्क ID आप देख सकते हो इधर के लिए है, और ये नेटवर्क ID हमारा इधर के लिए है, और ये यहाँ के लिए, और ये यहाँ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल पहले सारे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और इन केस जिनको भी थोड़ा एडवांस एक्सपीरियंस है हाउ टू कॉन्फ़िगर इंटरफेसेस एंड ऑल, देन डेफिनेटली ही कैन एक्सीड आर जस्ट स्किप द वीडियो अबाउट 5 to 7 minutes। तो 5 minutes आप अगर पेशेंस के साथ देख सकते हो तो शायद आपको ये लैब अच्छे से समझ में आएगी, बट अगर आपको इंटरफेस IP देने आता है तो 5 मिनट 2-4 मिनट वीडियो स्किप कर सकते हो। सभी कंप्यूटर सिस्टम के साथ हमें इन सभी इंटरफेसेस को IP देना है। तो पहले मैं इस कंप्यूटर सिस्टम पर IP दे देता हूँ जो कि 192.168.0.20 और गेटवे हमारा 01 दे रखा है मैंने। ऐसे इधर 0.10 है और गेटवे भी मैंने दे रखा है। तो हमारा जो भी एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं उन पर IP कन्फिगर है, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट एंड पॉइंट IP कन्फिग्रेशन। Now come to the next, which is R1, and let me configure the IP address for every interfaces on R1 router. So this is R1, and let me configure the interface details.
So first of all, I'm going to configure interface F0/0. This is for LAN topology and IP address is 192.168.0.1 with subnet mask and no shutdown to turn on the port. You can type exit command to come out from this interface, and then you can select interface space serial 0/0/0, and the IP address for this port is 10.001 with subnet mask. Done. You can configure clock rate for this interface to create a DT and DC concept and no shutdown to turn on the port. So ye hamara port turn on ho gaya hai. ऑलरेडी यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन पहले से है, बट लेट मैं उसको स्किप करता हूँ. यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप फिर से सारी चीज़ें कर रहे हैं. ऐसे ही हमारे पास R2 है क्योंकि यहाँ के दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुके हैं. सो कम टू द R2 एंड दिस इज R2. ओके, सो कम टू द कॉन्फ़िगरेशन मोड. इंटरफेस स्पेस सीरियल 0/0/0. ओके, I'm going to configure interface IP for this port, which is interface serial 0/0, and the IP address is 10.002 with mask and no shutdown. And same, I'm going to configure an IP address for serial 0/0/1, and the IP address is 192.168. Serial 0/0/1 192.168.60.1 with subnet mask 255.255.255.0. Then no shutdown. You can type clock rate for this interface, because every 2 point in serial configuration you need to apply the clock rate on an interface, right? सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ये चीज़ आपको दे देना है और अप्लाई करके नो शट डाउन कर देना है. तो आपने जस्ट ऊपर सीरियल 0/0/1 पर ये चीज़ अप्लाई कर दिया. इसके बाद एक और इंटरफेस है, इंटरफेस सीरियल 0/1/1. इंटरफेस सीरियल 0/1/1 जिसका आईपी एड्रेस हो जाएगा 192.168.50.1 विथ मास्क. व्हाट हैपेंड, सॉरी 555 यहां पर हो गया है. डन, नो शटडाउन एंड क्लॉक रेट. डन, तो ये मैंने यहां तक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अप्लाई कर दिया और इन तीनों इंटरफेस को आईपी दे दिया. इसको वेरीफाई करने के लिए सो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ. और तो यहाँ पर मैं एक्सक्लूड अनअसाइन का पार्ट कॉन्फ़िगर करता हूँ. ऑप्शन में आकर प्रेफरेंसेस एंड लेट मी सेलेक्ट फॉन्ट एज 14. ओके, इतना बहुत है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन दिख नहीं रहा था प्रॉपर. सो इसको आप मैच करो, देखो यहाँ पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है. सो अभी फाइनली अगर मैं देखूँ सीरियल 0/0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन को मैच करना. तो यहाँ पर 10.002 हमारा कॉन्फ़िगर है, 0/0/1 है जिस पर 61 है, और 011 करके है तो ये हमारा 51 है. ओके, डन, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा मैच हो गया. और अब हमें क्या करना है, आ जाना है राउटर 3 पर. एक सीरीज एंड सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, है ना. होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. तो राउटर 3 के लिए हम लोग आ जाते हैं, और राउटर 3 के लिए हमारे पास है इंटरफेस स्पेस सीरियल 0/0/0 जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.60.2 विथ सबनेट मास्क. And there is no need to apply any clock rate. Then come to the next port, which is interface serial 0/0/1
0/0/1 and the IP address for this interface is 192.168.80.1 with subnet mask, and we need to configure the clock rate for this interface, which is 64,000. Done. And the no shutdown. So it's done. Is interface par bhi dono configuration ho gaya. Aur so space IP space interface space brief, and yahan par exclude unassigned mein agar check karun, to ye bata dega ki serial 0/0 hamara jo hai ye 60.2 करके है और 0/0.1 80.1 करके है विद क्लॉक रेट, और ये हो गया। तो राउटर 3 का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। राउटर 4 की कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाते हैं, और राउटर 4 की कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी इजी है। तो मैं राउटर 4 के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में आता हूँ, इंटरफेस स्पेस। अब हमारे पास है सीरियल 0/0/0 सीरियल 0000 IP address 192.168.80.2 with subnet mask and no shutdown to turn on the port. Again I'm going to configure interface serial 0/1/0, right? Interface serial 0/1/0, and then IP address for this interface is 192.168.70.2, and the mask is 255.255.0. With no shutdown you can apply a clock rate. इधर मैं clock rate ये DC port पर apply करने के लिए कह रहा है, no issue, हम लोग just इसको apply कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर clock rate बाद में हम लोग अप्लाई कर देंगे। एंड फाइनली ये हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया सीरियल 0/1/0। नो शटडाउन करके पोर्ट को टर्न ऑन कर देते हैं। इसके बाद इस पर एक और इंटरफेस है, इंटरफेस स्पेस सीरियल 0/0/1 एंड द आईपी एड्रेस फॉर दिस इंटरफेस इज आईपी एड 192.168.90.1 with mask and clock rate. Clock rate आप सभी पर apply कर सकते हो, जहां उसको लेना होगा वो ले लेगा। तो दो के बीच में एक clock rate जरूर देना है। हालांकि यहां तक configuration हमारा complete हो गया, तो verify करने के लिए 100 space IP space interface space brief pipeline and unassigned numbers को मैं एक्सक्लूड करके देख लूँ, तो 0/0/0 पर हमारा क्या है R4 पर 80.2, ठीक है, और उसके बाद 010 पर है 70.2, डन, और है 001 पर 90.1, ठीक है। तो ये हमारा अप्लाई हो गया। अब इसके बाद R5 यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बच जाता है, सो R5 की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। So enable conf t interface space and serial 0/0/1 clock rate इधर आप दे दो, क्योंकि उधर apply नहीं हुआ था, तो इधर apply हो जाएगा। no shutdown with IP address and the IP address is 192.168.70.70.1 with mask and no shutdown. Come to the next point, which is interface serial 0/0/0 and no shutdown, IP address 192.168.50.2 with mask and no shutdown, done. तो ये भी configuration हो। अब अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है, तो मैं यहीं से 100 space IP space interface space brief वेरीफाई कर लेता हूं। तो यहां पर 0/0/0 पर हमारा जो एड्रेस है वो है 50.2 और 71 हमारा 1 पर है। आई थिंक यहां तक कॉन्फ़िगरेशन सब ओके है। एक और राउटर हमारे पास है, और इसका रूट हम लोग चेक करें तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में
आ जाते हैं इंटरफेस स्पेस। अब यहाँ पर हमारे पास है एक सीरियल 0/0/0, सो 000 एंड द आईपी एड्रेस इज 192.168.90.2 विथ मास्क एंड नो शटडाउन। मैंने कोई सबनेटिंग इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि लैब मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। नो शटडाउन, इंटरफेस स्पेस है 0/0 और इसका जो एड्रेस होगा 172.168.0.1 विथ मास्क। तो बी क्लास है तो 2x255 होगा, आईपी का रूल आपको पता ही है। ये कॉन्फ़िगर हो गया, सो स्पेस आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन डिटेल। तो यहाँ पर दो इंटरफेसेस हैं, इन दोनों इंटरफेस पर आईपी, एक फास्ट इथरनेट पर और एक सीरियल 0/0/0 पर आप देख सकते हो 92 की आईपी अप्लाई है। सो आई थिंक सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारा इधर हो गया। अब मुझे राउटर 1 से रूट की एंट्री करना है। अब यहीं से आप लोगों को ध्यान देना है कि कैसे हमारा सारा रूट एंट्री एंड ऑल वर्क करता है। ओके, अगेन जो लोग भी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो वो ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके, 70% का ऑफ़र चल रहा है। और लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, जूम पर क्लास, ऑनलाइन इंटरेक्टिव जॉब गाइड सब आपको मिलने वाला है। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ पर आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो अपने एंड से वीडियो को पॉज करके, और यहाँ से राउटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, R1 की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है एज अ रूट। तो R1 का जो भी आईपी रूट है, एंटर करते हैं आईपी रूट। सबसे पहले मुझे 172.168.0.1 को कनेक्ट कर देना 90.2 के साथ। ओके, मैं अपने राउटर 1 पर सभी राउटर की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 172.168.172 0.0 विथ मास्क, इसको मुझे कनेक्ट करना है 90.2 के साथ। तो ये वाला इंटरफेस हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया और इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन इनेबल हो गया। एक हमारे पास है रूट जो कि 90. यानी कि ये 90. का है। अब इसको मैं 80 से भी और 70 से भी, है ना, दोनों से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर जस्ट 80.2 के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा एंड उसके बाद मुझे इसको 60.2 के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद 10.0.0.2 के साथ कनेक्ट करना है। तो ये ऊपर का जितना भी रूट है ये सब मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। दूसरा रूट बन जाएगा 192.168.90.0 विथ सबनेट मास्क। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी मैं आईपी रूट कर रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको ऐसी टोपोलॉजी को सॉल्व करने में। 80.2 के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया। आईपी रूट अगर मैं 90 की जगह 80.0 करूं और उसके बाद 255.255.255.0 और इसको मैं कनेक्ट करूं 60.2 के साथ, तो ये वाला कनेक्शन मेरा यहां तक आ गया। अब ये तो ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है, बट आप यहां पर रूट कनेक्ट कर सकते हो आईपी रूट 192.168.60.0 विथ मास्क, और इसको मुझे कनेक्ट करना है लाइक 10.0.0.2 के साथ। तो ये ओवरऑल 4 रूट हमें देखने को मिले ऊपर से अगर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इसकी एंट्री तो, ठीक है। अब बॉटम के लिए, ऊपर हमारा प्राइमरी रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया ये जस्ट प्राइमरी रूट के लिए किया, और प्राइमरी रूट में आप देख रहे होंगे सबको पता है कि स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट आर स्टैटिक रूट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है या स्टैटिक राउटिंग का जो एडी वैल्यू होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। एडी वैल्यू का रेंज 1 से लेकर 255 होता है। सो हायर एडी वैल्यू लोअर प्रायोरिटी पर वर्क करता है, यानी बेस्ट रूट नहीं माना जाता।
और जो लोअर एडी वैल्यू पर राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटर के पास अपडेट होता है वो हाई अपडेट यानी कि एक बेस्ट राउटिंग पाथ क्रिएट करके रखता है और बेस्ट रूट के एंट्री में वो अवेलेबल होता है। तो स्टैटिक रूट अगर ऊपर से हम लोग देखें तो मैं इसको प्राइमरी रूट बना रहा हूँ जिसका एडी वैल्यू 1 होगा और नीचे का जो भी एडी वैल्यू मेरा क्रिएट होगा वो एडी वैल्यू मैं 20 यहाँ पर देने वाला हूँ। एक्स वाई जेड इन बिटवीन 1 से लेकर 255 के बीच में कोई भी नंबर आप दे सकते हो। तो क्या मुझे दूसरे रूट की एंट्री करनी है ना? अब दूसरे राउटर की एंट्री करने के लिए मतलब दूसरे रूट की एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बट मुझे राउटर 1 पर ही एक एंट्री करनी होगी, आईपी स्पेस रूट 192.168. अब देखो पहले तो 90.0 की एंट्री हम लोग करेंगे, सो 90.0 आईपी वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट 90.0 विथ सबनेट मास्क और इसको मुझे 70 से कनेक्ट करना है 70.2 से और यहाँ पर मुझे एडी वैल्यू चेंज कर देना इन बिटवीन। तो मैं यहाँ पर मैंने बोला 20 में करने वाला 20 कर दिया तो ये वैल्यू मैंने 90 का वैल्यू चेंज करके किसको दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पर एंटर हो चुका है राउटर 1 पर, तो मुझे इसका एंट्री 70 के साथ कर देना और 70 का 50 के साथ कर देना है ना। तो मैं एक और रूट यहाँ पर लेकर चलूँगा लाइक 70.0 क्लियर विद मास्क और मुझे इसको कनेक्ट करना है 192.168.50.2 के पहले नो लगा देता हूँ। यहाँ पर मुझे एडी वैल्यू देना है, नो लगा कर किसी भी रूट को आप रिमूव कर सकते हो और यहाँ पर मुझे 20 कर देना है, जस्ट डन। ये वाला आप दो कमांड रिमूव करो, ये दोनों कमांड आप लिख लो ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसको भी मैं रूट कर दूँ 10.0.2 के साथ राइट और डिफरेंट एडी के साथ, तो मेरा 70 की जगह हो जाएगा 50, 70 हमारा क्या हो जाएगा 50, मास्क हमारा सेम होगा और जो हमारा गेटवे 10.0.0.2 डन। ये तीन एंट्री मैंने इधर से कर दिया। अब हमारे राउटर 1 पर दो एंट्री दिखाई दे रही होगी, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डन होता है, यानी कि टोटल 4 रूट इधर, एक 5, एक 6 और एक 7, टोटल 7 रूट की एंट्री मैंने किया। अगर मैं इस रूट की एंट्री डायरेक्टली इसके साथ कर दूँ और इसी की एंट्री डायरेक्टली इसके साथ तो एक रूट हम लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, बट नो नीड टू टेक एनी रिस्क, आप एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करके रखो। राउटर 2 की एंट्री में आ जाते हैं और राउटर 2 पर हमारा क्या क्या रूट होने वाला है, अभी थोड़ा सा थ्योरी में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे हुआ क्या और मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, अगर कुछ भी डाउट है तो। मैं जस्ट राउटिंग क्रिएट कर रहा हूँ राउटर 2 के लिए और राउटर 2 का जो पहला रूट होगा 172.168.0.0 यानी कि इसका रूट और इसको 90.2 के साथ कनेक्ट करना है 255.255.0.0 192.168.90.2। इतनी एंट्री तो करनी ही करनी है। अब मुझे ऊपर से रूट लेकर जाना है तो डिफ़ॉल्ट एडी होगा और नीचे से रूट लेकर जाना है तो हमें मैनुअली एडी वैल्यू को चेंज करना है। तो आईपी रूट अभी मैं ऊपर का रूट क्रिएट करता हूँ डिफ़ॉल्ट आईपी रूट 192.168.90.0 विद मास्क और 192.168.80.2 ओके 90.0.80.2 के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ 80.2 और 80 को मैं 60.2 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो जस्ट मुझे यहाँ से 80.0 को मास्क देना है और 192.168.60.2 के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक और रूट हमारा इधर बचता है लाइक आईपी रूट 192.168.60.0 255.255.255.0.10.0.0.1 के साथ रूट कर दिया।
10001 या नहीं, 80 तो मैंने कर दिया, 60 जो है, 60 मेरा इसी राउटर पर मैं हूँ तो इसकी एंट्री करनी ही नहीं है, ठीक है। ये एंट्री यहाँ से रिमूव कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, 0 डॉट की एंट्री 10001 के साथ करनी है, राइट। तो मैं यहाँ से 0.0 की एंट्री 10001 के साथ कर दूंगा, डन। यानी कि इस वाले रूट की एंट्री मुझे इसके साथ करना है। कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गया। एंड जस्ट मैं यहाँ से दूसरे रूट की भी एंट्री कर दूं बॉटम से, तो बॉटम से रूट की जो भी एंट्री करनी है यहाँ पर, आईपी रूट 192.168.90.0, यानी कि इस 90 को एक ऊपर से और एक नीचे से एंट्री करनी है। तो 90.0 का जो कनेक्शन होगा विथ मास्क और 192.168.70.2, ये देखो 70.2, और इसका AD वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक है। एक और रूट हमारा इधर हो जाएगा जो कि 192.168.70.0 विथ सबनेट मास्क, और इसका जो AD वैल्यू हो जाएगा 50 के साथ, लाइक 50.2 ये वाला हो जाएगा, और AD वैल्यू हो जाएगा 20। ये भी एंट्री आपने इधर कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, राउटर 3 की एंट्री देखनी है। राउटर 3 पर आ जाते हैं और इनेबल कॉन्फटी। तो कंपनीज में बड़े प्रोजेक्ट को सॉल्व करना और ये सब, इसकी प्रैक्टिसेस अगर करते हैं तो एक अलग स्किल निखरती है आपके अंदर, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। और जिनका जिनका प्रैक्टिस हो जाए वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, यस आई डिड इट। तो मैं कुछ नया प्रोजेक्ट और लेकर आऊँगा, अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स को लेकर और एडवांस लैब के साथ, राइट। सो राउटर 3 की एंट्री हम लोग यहाँ पर करते हैं। राउटर 3 के पास इस रूट की एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो थोड़ा सा ईजी है। आईपी रूट करते हैं 192.168.0.0 विद सबनेट मास्क, एंड इसको कनेक्ट कर देना मुझे 10001 के साथ। सो 10001, डन। दूसरा रूट का एंट्री हो जाएगा 10.0.0 का 60.1 के साथ, राइट। सो 10.0.0 विथ मास्क 192.168.60.1 के साथ, ओके। सो 10.0.0 का 61 के साथ, अगेन हमारे पास 60 का जो नेटवर्क होगा 192। अब इस 60 का नेटवर्क मुझे तो कुछ करना नहीं है, अगर मैं यस 10.0.0 का मैंने कर दिया 60.1 के साथ। अब मेरे पास रूट कौन सा बचा, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, इधर का कोई रूट बचा नहीं और नीचे वाले की एंट्री करनी नहीं है, तो हमें दूसरी तरफ आ जाना है। दूसरी तरफ हमारा 172 का स्टार्ट कर लूँ या तो फिर मैं 90 का स्टार्ट कर लूँ, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो 172 का स्टार्ट करते हैं। जैसे 172.168.0.0 विथ मास्क, और इसको मुझे कनेक्ट कर देना है 90.2 के साथ। डन। एक और रूट हमारे पास 90.0 का, यानी कि 90 को मुझे 80.2 के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। 192.168.80.2 के साथ, डन। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा राउटर 3 का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसमें बॉटम रूट के एंट्री का कोई रोल ही नहीं है, ओके। अब राउटर 4 पर आते हैं और राउटर 4 की सारी एंट्री कर लेते हैं। जैसे कॉन्फटी इंटरफेस स्पेस और सॉरी आईपी रूट। अब मुझे राउटर 4 पर सबसे पहले एंट्री किधर की करनी है, 192.168.0. की एंट्री करनी है, 192.168.0.0 विथ मास्क, और इसको मुझे कनेक्ट किसके साथ करना है, 10.0.0.1 के साथ, ठीक है। ये तो करना ही करना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 10.0.0.1। अब यहाँ से अगले रूट में हमें सोचना पड़ेगा, तो 10.0.0 को मैं कनेक्ट करता हूँ या तो ऊपर के रूट के लिए या तो नीचे। ऊपर डिफॉल्ट AD चलेगा और नीचे कस्टम AD चलेगा,
तो 10000 मैंने कर दिया विथ सबनेट मास्क, कर दिया 255000 और इसको मुझे कनेक्ट करना है 192.168.0.60.1 के साथ। ऊपर वाले रूट से मैंने इसको कनेक्ट किया और 60 को मैं कनेक्ट कर दूंगा 80.1 के साथ, ध्यान देना। सो नेक्स्ट आईपी रूट हमारा हो जाएगा 192.168.192.168.60.0 विथ मास्क एंड 192.168.80.1। एक और रूट हमारे पास आ जाएगा जो कि इधर का सारा एंट्री ऊपर का हो गया, एक इधर से 172 की एंट्री होगी। सो 172.168.0.0 विथ मास्क और इसका एंट्री हो जाएगा 192.168.90.2 के साथ, ठीक है। ये वाला मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये इधर कनेक्ट हो गया, ये ऊपर का रूट इधर आ गया। कंप्लीट कन्फिग्रेशन हैज़ डन फॉर राउटर 4 फॉर प्राइमरी रूट, बट वॉट अबाउट सेकेंडरी रूट? नीचे का रूट का एंट्री मैंने किया ही नहीं, तो नीचे से रूट जो जाएगा वो जाएगा 10000 विथ, यानी कि 10000 को 50.1 के साथ, ओके। तो मेरा जो 255000 192.168.50.1 के साथ और कस्टम एडी हम लोग यहाँ पर 20 दे देंगे, डन हो गया। मेरे पास 50.0 का जो नेटवर्क है ये 70.1 पर आना चाहिए, तब ये रूट पूरा कंप्लीट होगा। तो आईपी रूट 192.168.50.0 विथ मास्क और मुझे इसको कनेक्ट करना है 192.168.70.70.1 के साथ विथ कस्टम एडी 20, डन। अब यहाँ तक कन्फिग्रेशन हमारा हो जाता है कंप्लीट R4 का। अब बस R5 एंड R6 दो बचे हुए हैं, तो R5 की एंट्री बहुत इजी है क्योंकि R5 के पास ये मुझे कस्टम AD ही पूरा करना है क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूट तो है ही नहीं। तो R5 को मैं एक्सेस करता हूँ और R5 के लिए Enable Confetti IP route, तो इसके लिए हमारे पास एक रूट है 192.168.0.0, ठीक है। इसके लिए मैं 192 का 10001 के साथ रूट कर दूंगा, मास्क देना ज़रूरी है 255 255 255 0 10001 के साथ और कस्टम AD हमें 20 दे देना है, ओके। दूसरा रूट हमारा हो जाएगा 10000 के साथ और इसको मुझे 50.1 के साथ कनेक्ट करना है, तो 255000 192.168.50.1 विद कस्टम AD 20, 50.1 के साथ कस्टम AD मैंने दे दिया। और एक हमारे पास इधर का रूट तो हो गया, अब मुझे इधर के रूट के लिए 172 लेना है, तो IP रूट हमारा हो जाएगा 172.168.0.0 विद सबनेट मास्क और मुझे इसको कनेक्ट किसके साथ करना है, लाइक 192.168.90.2 के साथ, ओके। सो 90.2 192.168.90.2 विथ AD वैल्यू 20, ये हमारा हो गया 172.68 एंड 90.2 का, ये हो गया 20 के साथ, ठीक है। अब मुझे अप्लाई करना है लाइक IP रूट, एक और यहाँ पर हो जाएगा IP एक और है 90.192.168.90.0 का 255 255 255 0, ओके, एंड 192.168.70.2 के साथ विथ कस्टम AD हमें दे देना है क्योंकि नीचे के रूट में सभी कस्टम AD हमें देने हैं, तो ठीक है, ये हो गया है ना, सारा एंट्री हो गया इधर। अब हमारा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास R6 का आ जाता है और मैं यहाँ पर इनेबल कॉन्फ़िटी IP रूट और मेरा जो रूट हो जाएगा 192.168 अपने पहले नेटवर्क का 255 255 255 0 विथ 10001, ये एंट्री कर देनी है।
इसका इसके साथ। अब 10 की एंट्री ऊपर के लिए करूंगा तो डिफॉल्ट होगा, तो डिफॉल्ट की रूट डिटेल ऐड कर लेते हैं पहले 10000 विथ मास्क, और या फिर हमारे पास 60.1 की एंट्री हो जाएगी ना 10 के साथ 10000 और 255000 192.168 60.1 की एंट्री हो जाएगी 10 का इसके साथ, डन। तो कहीं पर भी मिस्टेक ना हो, नहीं तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपकी ख़राब हो जाएगी, है ना। तो 192.168.60.0 अब 60.0 को मुझे 80.1 के साथ कनेक्ट करना है। मास्क दे देते हैं 192.168.80.1 कंप्लीट। एक रूट और यहाँ पर बचा 80 का, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो 80 का रूट 90.1 के साथ बचा हुआ है। तो मैं आईपी रूट 192.168.80.0 विथ सबनेट मास्क 192.168.90.1 यही है, डन। तो ये रूट ऊपर का डिफॉल्ट उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसका जो कस्टम एडी है नीचे के रूट के लिए करते हैं, तो नीचे का 10.0.0 से स्टार्ट कर लेंगे हम। सो आईपी रूट 10.0.0 विथ मास्क, या डन, मास्क हमारा हो जाएगा। और इसको कनेक्ट करना है 50.1 के साथ, एडी 20 हो जाएगा। आईपी रूट मुझे एक और एंटर करना है जो कि 192.168.50.0 का 255.255.255.0 के साथ, और मुझे 70.1 के साथ कनेक्ट करना है। तो 192.168.70.70.1 विथ 20 एडी, तो 50 का 70.1 के साथ विथ 20 एडी, और फिर 70 का कर देंगे हम लोग 90.1 के साथ। सो आईपी रूट 192.168.90.0 विथ मास्क, 90 क्यों होगा, 70, या इट इज 70, 255.255.255.0, और इसको कनेक्ट करना है 90 के साथ, 90.1, ओके, एडी वैल्यू 20, डन। सो गाइस, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हमारे इधर 37 मिनट में हो चुका है, 38 मिनट में। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना ज़रूरी है। राउटर के अंदर जो भी हमारा R1 है और R6 है, ये जब ट्रैफिक सेंड करेगा, मान लिया कि R1 सेंड करेगा ये यूज़र ट्रैफिक यहाँ के लिए, तो ये अपना ट्रैफिक सेंड करेगा पहले गेटवे को, गेटवे ट्रांसफ़र करेगा इसको, और ये ट्रांसफ़र करेगा इसको, और ये राउटर फिर यहाँ पर डिसाइड करेगा कि भाई मुझे ट्रैफिक यानी कि यहाँ पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं, एक रूट वन है और एक रूट टू है, ओके। तो अगर ये रूट वन को यूज़ करे तो क्यों करे, और रूट टू को यूज़ करे तो क्यों करे। अगर मैं एडी नीचे का चेंज नहीं करता तो यहाँ पर एक इक्वल लोड बैलेंस का काम होता, ट्रैफिक इधर से भी जाता और इधर से भी, आने जाने का दोनों काम ये इक्वल पाथ में, सॉरी इक्वल लोड के साथ बैलेंस करता। बट मैंने ऊपर बोला कि एडी वैल्यू ऊपर का जो है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, और नीचे का जो एडी वैल्यू है इसको चेंज करके 20 कर दो। तो जिसका एडी वैल्यू कम होगा जिस रूट का, वो बेस्ट रूट माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग का डिफ़ॉल्ट एडी 1 होता है और कस्टम एडी मैंने 20 यहाँ पर दिया। तो पहले पैकेट हमें इधर से जाते हुए देखने को मिलेगा। तो आपके राउटर वन की या फिर राउटर टू पर जो एंट्री होगी, कॉन्फ़िगरेशन एंट्री होगी या राउटिंग टेबल की जो एंट्री होगी, राउटिंग टेबल, इसके अंदर स्टैटिक रूट वन का एडी जो भी होगा प्राइमरी रूट की एंट्री होगी। तो आईपी रूट या आईपी टेबल के अंदर प्राइमरी रूट की एंट्री होगी, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके सेकेंडरी रूट नीचे की एंट्री होगी। यानी राउटर दोनों रूट नहीं दिखाएगा स्टैटिक रूट में, है ना। हालांकि मैंने हर एक राउटर को वो दिया हुआ है। तो पहले हमारा काम क्या करेगा, जैसे मैं अगर
आर सिक्स पर हूँ यहाँ से, आर सिक्स पर सो स्पेस आई पी स्पेस रूट। अब इसके पास देखो क्या एंट्री है, इसके पास दोनों एंट्री देखने को मिलेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, दोनों एंट्री रखा हुआ है। तो एक स्टैटिक रूट है 1.0 और एक स्टैटिक रूट है 2121, ठीक है। तो इसके पास 20 का भी ऐड है क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि मुझे इधर से जाना है इधर से जाना है, इसके पास सारी डिटेल है, ये डिसाइड कर रहा है। तो अगर मैं R4 की एंट्री चेक करूं, है ना, देखना इसके अंदर दोनों AD की डिटेल्स है। अगर मैं R4 की डिटेल चेक करता हूं, सो स्पेस आई पी स्पेस रूट एंटर, सो यहां पर हमारे पास AD वैल्यू की एंट्री, देखो इसके पास भी AD वैल्यू है ना, डिफॉल्ट जो टॉप लेवल पर है वो 1 की एंट्री रखा हुआ है, 111। तो बेस्ट रूट हमारे सबसे ऊपर होते हैं और यहाँ पर हम लोग देखें तो 20 का एक रूट है ना, और एक अगेन 1/0 का है। तो ट्रैफिक लोड बैलेंस यहाँ पर हो रहा है। 20 आपका तब काम करेगा जब AD वैल्यू 1 का पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ओके। अब इसका लाइव पहले चेक कर लेते हैं, पैकेट रिप्लाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये यूज़र आपस में डेटा सेंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पिंग 192.168.0.20 और रिप्लाई लेते हैं तो अनरीचेबल होस्ट आ रहा है। अब ये अनरीचेबल होस्ट आ रहा है मतलब कोई ना कोई रूट हमारा मिस हुआ होगा। तो चेक करने के लिए सिमुलेशन मोड में अगर मैं यहाँ से कोई पैकेट इसको सेंड करता हूँ तो पैकेट हमारा लॉस किधर जाके हो रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। पैकेट इधर गया, डन। अच्छा पैकेट यहाँ तक आ रहा है तो ऊपर से रूट हमारा होना चाहिए, यानी इसको यहाँ तक पैकेट जाने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पैकेट आने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, R3 ICMP को रिजेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर मैं R6 का एंट्री देखूँ, R6 का, लेट मी चेक R6 का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या किया हुआ है, आईपी रूट। अब 10.0.0 की एंट्री मैंने 50.1 के साथ तो किया हुआ है, ओके, कस्टम एडी पर, और 10 की एंट्री 60.1 के साथ, 10 की एंट्री 60.1 के साथ भी किया हुआ है, ओके। तो R6 पर देखना है, ये हमारा R6 है, IP रूट इसका ये हो गया 10.0.0.1 के साथ, और फिर 10 का हो गया 60.1 के साथ, विच इज़ फाइन, एंड 60. का हो गया 80.1 के साथ, और 80 का हो गया 90.1 के साथ, ऊपर से रूट डन। 10 का हो गया 50.1 विथ AD वैल्यू ये, और 50. का हो गया 70.1 के साथ AD वैल्यू ये, और 70 का हो गया 90.1 के साथ AD वैल्यू है। सारा रूट का एंट्री है, R2 की एंट्री हमें चेक करनी है। सो गाइज यहाँ पर आप देखो R2 की एंट्री में जो पैकेट रिजेक्ट हो रहा है हमारा, ट्रबल शूटिंग का ये सबसे बढ़िया मेथड था। तो R2 के पास कोई ना कोई रूट की एंट्री गड़बड़ है ना। अब ध्यान दो मैंने क्या किया यहाँ पर गड़बड़, है ना। सबसे पहले मैं ट्रबल शूटिंग के साथ ये बना रहा हूँ कि कोई भी एडिट या अनकट वीडियो नहीं होगा। अब देखो पहला रूट का एंट्री मैंने क्या किया, मैं पूरा समझा देता हूँ, अभी आपको लगेगा वाओ इंटरेस्टिंग, मज़ा आ गया। R2 के पास पहला रूट हमारे पास ये है, ओके। अब इस रूट को चेक करो, 172.168.0.0, यानी कि ये वाला रूट मैंने 90.2 के साथ कनेक्ट कर दिया, ओके, ये हो गया। इसके बाद एक और रूट मैंने, ये ओके है, एक और रूट मैंने लगाया आईपी रूट 192.168.90.0, और 90.0 कौन है, ये वाला रूट, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 80.2 के साथ, ये भी ओके है, 80.2 के साथ ओके है। एक रूट मैंने यहाँ पर ये भी लिखा, एक और रूट लिखा 80.0 को, यानी कि 80.0 को 60.2 के साथ, ये भी हमारा ओके है। उसके बाद मैंने एक रूट लिखा
आईपी रूट 192.168.60.0 यानी 60.0 ये तो एंट्री करनी नहीं थी, यानी कि 60.0 ये वाला रूट जो है ये मुझे नहीं एंटर करना था, तो मैंने यहाँ से इसको नो लगाकर, क्योंकि 60.0 के एंट्री नहीं, मुझे 192.168.0.1 की एंट्री इसके साथ करना था, तो मैंने इसको नो लगाकर इस पूरी कमांड को रिमूव तो किया, बट जब मैंने यहाँ पर कमांड के अंदर 60 की जगह 0 मीन्स इसको ना लगाकर इसको जब मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर अगेन मेरा नो देखो रिमूव नहीं हुआ। ओके, तो ये रूट की गड़बड़ी हमें यहाँ पर लगी। इनेबल करते हैं, कॉन्फटी करते हैं आईपी रूट 192.168.0.0 विथ 255.255.255 सबनेट मास्क एंड 10.0.0.1 के साथ। देखो यहाँ पर ये एंट्री, सेम यही एंट्री मुझे यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, या फिर मैंने सेम यही नोट डाउन कर दिया और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। ठीक है, एक ट्रबल शूटिंग यहाँ पर आप देखो कंप्लीट हुआ, रेस्ट मैंने सभी एंट्री को कर रखा है। अब देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो मैं इस पैकेट को डिलीट करता हूँ, वंस अगेन एक नया पैकेट यहाँ से लेता हूँ और चेक करता हूँ अब क्या चल रहा है इशू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर जैसा पैकेट मैंने सेंड किया था यहाँ से यहाँ के लिए मैं सेंड करता हूँ। अब चलो, पैकेट हमारा यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल हुआ, आगे हमारा सक्सेसफुल हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं रेड मार्क बना नहीं, मतलब सक्सेसफुल हो गया ये, फाइनली आपका पैकेट यहाँ तक आ गया। गॉट इट, ये क्लियर है सभी को। अब देखो पैकेट का रिप्लाई भी हमारा जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है और ये रिप्लाई भी इसको मिल जाएगा। तो हो गया ट्रबल शूटिंग, इजी लगा। तो वरीड नहीं होना है, बड़ी से बड़ी टोपोलॉजी में अगर आपने नोट कर रखा है सारा कमांड्स और सारी चीजें, एक उस पर आप देख लेंगे अपना जो भी है, राउटर 1 राउटर 2 का मैंने हर एक का कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो जब या कॉन्फ़िगर किया तो पूरा रूट एक साथ दिखाया हुआ है। तो इसकी एंट्री आप स्क्रीनशॉट ले लेना, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना, इंटरफेस देने के बाद आप सिंपल इसको खुद से कॉन्फ़िगर करना, फिर उसको मैच करना, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। यानी कि आपका देखो रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, यू कैन सी, या कम टू द रियल टाइम मोड, यस रिप्लाई कम। ओके, तो ये हमारा रिप्लाई इधर आ रहा होगा। ओके, अब फाइनल मेरा जो पैकेट है, या मैं यहाँ से ट्रेस रूट करता हूँ, अब देखो, अब अगर मैं इसके पास देखूँ, सो स्पेस आईपी स्पेस रूट डन, तो इसके पास 111 जो टॉप पर हमारा रूट है वो सब उधर दिखा रहा है और 20 का भी एडी वैल्यू इधर दिखा रहा है। तो अगर मैं किसी भी ट्रेस रूट करता हूँ, क्या यहाँ पर ट्रेस करने का कॉन्सेप्ट या वो अप्लाई कर सकता हूँ मैं ट्रेस कमांड, तो या ट्रेसर्ट है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ट्रेसर्ट 192.168.0.20 तक जाने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी मैं यहाँ पर चेक कर पाऊँगा। इसको भी मैं वेरीफाई करवा देता हूँ कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ऊपर से ही रूट हमें देखने को मिलेगा। पहला कह रहा है कि मैं 172.168.0.1 को पैकेट दिया, मतलब यहाँ से पैकेट इसको गया, उसके बाद 90.1 को गया, 90.1 यानी कि यहाँ के लिए गया, उसके बाद कह रहा है 80.1 के लिए गया, 80.1 यहाँ के लिए ऊपर से ही रास्ता है प्राइमरी, 60.1 के लिए गया और फिर 10.1 के लिए गया और उसके बाद फिर हमारा 20 के लिए पैकेट यहाँ पर डिलीवर हुआ। दिस इज द वे टू कॉन्फ़िगर ड्यूअल पाथ। अब इन केस अगर हमारा पाथ डाउन हो जाता है तो क्या होगा, है ना। तो मैं एक लाइव पैकेट पहले मॉनिटर कर दूं, सिमुलेशन मोड पे आता हूँ और फॉर एग्जांपल के लिए मैं पिंग अप्लाई करता हूँ और फाइनली -t लिखकर एंटर की प्रेस किया। अब ये पैकेट हमारा कंटिन्यूस जा रहा है, ये जा रहा है और अभी जाने देते हैं इसको,
ऑटोमेटिक हमारा रूट कैसे मैनेज होता है ये मैं दिखाना चाहता हूं इधर। मैं राउटर 2 का कॉन्फ़िगरेशन मोड ओपन करता हूँ या फिजिकल सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर सीरियल 1/1 सीरियल मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये देखो सीरियल 0/1/1 सीरियल 0/1/1 ये वाला है जिसका एंट्री 50.1 है। यस, इसको ऑन करो। जब ये पैकेट इधर से चला गया और यहाँ पर ये वाला इंटरफेस मैंने डाउन कर दिया, ये वाला ठीक है, सॉरी ये वाला तो अप रखना है, तो मुझे डाउन ऊपर वाला करना था ना, तो अभी मुझे ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा। गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी पैकेट में, यहाँ से एक बार रिप्लाई हमारा आ रहा है। अबॉर्ट करता हूँ, वंस अगेन एक पैकेट जनरेट करते हैं और यहाँ से ये ओके, और मैं इसको जाने देता हूँ। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ऊपर से रास्ता है जा रहा है, और R2 पर इसको मैं स्टॉप करता हूँ। R2 पर मुझे सीरियल 0/0/1 तो 0/0/1 ये है और जिसका इंटरफेस IP 60.1 यस, इसको डाउन कर देना है। ऑन करो, और ये वाला जो है इसको मैं यहाँ से डाउन कर देता हूँ, ऊपर वाला रूट डाउन। क्या ऑटोमेटिक रास्ता दूसरा वाला ये एक्सेप्ट करेगा? जो भी है, अब मैं अगर यहाँ से कोई भी पैकेट सेंड करूँ, रिप्लाई यहाँ से क्यों अबॉर्ट हो गया? होने देते हैं ऑटोमेटिक, आप देख लो। या तो फिर मैं यहां से ट्रेसर्ट इस वाले का इंटरफेस मुझे डाउन करना है ना, तो इस वाले का मैं यहाँ से करता हूँ अब, उसको एज इट इज रहने देते हैं। ध्यान देना क्योंकि इस राउटर के पास अभी दोनों रूट में से इसकी प्रायोरिटी एंट्री है, तो अगर मैं ये वाला रूट यानी कि सीरियल 0/0 इसके फिजिकल इंटरफेस में आकर, फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में आकर 0/0/0 ये वाले इंटरफेस को जो 80 का वो है, इसको अगर मैं डाउन कर देता हूँ, ठीक है, डाउन करने के बाद अगर मैं पैकेट सेंड करता हूँ कुछ भी, ये वाला मैं पैकेट अबॉर्ट कर दूँ, और अगेन मैं यहाँ से पैकेट सेंड करूँ इससे इसके लिए, और इसको मैं चेक करूँ, पैकेट नीचे से जाने लगा, आप देख सकते हो पैकेट सक्सेसफुली यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसके पास तो एंट्री थी ना, इसके पास तो रूट की एंट्री थी, दोनों रूट अवेलेबल हैं, तो मैन्युअली इसको पता है ना कि मुझे यहीं पर भेजना है। अगर आप इधर का इंटरफेस डाउन करोगे तो यहाँ तक तो पैकेट आएगा ही, तो हम अपने गेटवे को ही अगर देख लें AD वैल्यू, आप यहीं का AD वैल्यू जस्ट चेंज करो और यहीं के इंटरफेस को डाउन करके देख सकते हो, आपका सक्सेसफुली यहाँ तक पैकेट आ गया, ठीक है। अब जब वापस पैकेट आएगा, ये हर एक ट्रबल शूटिंग ध्यान दो, जब वापस पैकेट हमारा आ रहा है तो अब इस राउटर के पास क्या है, बेस्ट रूट ऊपर से भी होगा, है ना, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी में वो एंट्री है, तो ये ऊपर से भेजा और यहाँ पर पैकेट हमारा लॉस हो गया। तो इसको सक्सेसफुल करने के लिए या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ के पास आकर और जो सीरियल 0/0/1 है इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए डाउन, या ये राउटर किसी भी तरीके से हट गया। अब देखो नेटवर्क से जब कोई रूट हटेगा, वॉट इट, जब नेटवर्क से कोई रूट हटेगा या ये नेटवर्क इंटरफेस डाउन होगा तो ये राउटर अनअवेलेबल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रूट आपका डाउन हो जाएगा, तो एक ही बचेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे अगेन आप यहाँ से, तो आपका पैकेट गया, पैकेट वापस आया और ये सक्सेसफुली पैकेट रिसीव हो गया, वॉट इट। और यहाँ से आप देखेंगे अगेन तो रिप्लाई आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको सिमुलेशन मोड पे लेकर आओ और देख सकते हो आ रहा है रिप्लाई ये।
अगर ऊपर का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा तो हमारे पास नीचे का बैकअप रूट है, और ये हमारा एक बेस्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया कैसे क्या करना है, होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अगेन, जो लोग भी लाइव क्लासेस में मज़े के साथ पढ़ना चाहते हैं, एक एडवांस लैब, बहुत सिक्योरिटी बेस्ड लैब और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आ जाओ, चैट सपोर्ट ले लो और 70% ऑफ के साथ इनरोल कर लो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।